नवगछिया में नवनिर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी के साथ बैठक की। वहीं मौके पर उन्होंने आगामी चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश कुमार, नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मेश्राम, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार सहित पुलिस जिला एवं नवगछिया अनुमंडल के सभी पदाधिकारी मौजूद थे। संलग्न है, आप लोगों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी भी निर्वाचन की पहली शर्त यह है कि निर्वाचन शांतिपूर्ण तरीके से, स्वच्छ तरीके से हो। किसी भी तरह का दबाव, किसी भी तरह का प्रलोभन इत्यादि न हो, और इसके लिए सबसे पहली भूमिका के रूप में आप लोगों ने बूथ बूथ पर जा करके और वहाँ के निर्वाचकों के बारे में सारी जानकारी एकत्रित की है, और ये लगातार कार्य चलता रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि एक बार आपने रिपोर्ट चले गए और आपके काम आपका काम समाप्त हो गया, ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उन बूथों पर लगातार जाना है करके हम लोगों ने आज ज्वाइंटली मैंने और पुलिस अधीक्षक भैया ने सभी सेक्टर ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर के साथ संयुक्त से बैठक की। इस बैठक में बीरपुर और गोपालपुर के रिटर्निंग ऑफिसर, सभी वीडियो, सभी सीओ उपस्थित थे, और आज इन लोगों की बातों को लोगों ने सुना, और जो इलेक्शन कमीशन का भैया के जो निर्देश हैं, गाइडलाइन है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई। यही सेक्टर ऑफिसर सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करते हैं, इन्हीं के माध्यम से हम लोगों के पास वल्नरेबिलिटी मैपिंग आती है। वैसे लोग जो कि इलेक्शन में परेशान कर सकते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कराया जाता है, कार्रवाई की जाती है। सारे बातों पर विस्तार से चर्चा की और उन्हें अपेक्षित डायरेक्शन दिए गए ताकि शांतिपूर्ण माहौल में, निर्भीक वातावरण में स्वच्छ मतदान कराया जा सके। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।